द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के यूपी सरकार की तरफ से मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चों से अधिक को लेकर के तमाम अलग अलग प्रोसीजर। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं सभी संत समाज पहले से ही यह बार बार मांग कर रहा है कि जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। वो समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भारत में संख्या की वृद्धि के साथ साथ मुसलमानों की संख्या इतनी वृद्धि हो जाएगी जिसको हिंदुओं को झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। हमारे यहाँ तो कानून के बिना हम ध्यान देते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि यह कानून जल्द जल्द संसद बुला करके, कानून पास करा करके पूरे भारतवर्ष में यह लाना चाहिए। और ये कानून अति आवश्यक है। भारत की संख्या अरबों में पहुंच गई है और इस तरह से संख्या बढ़ती गई। अब कोरोना काल आया, कोरोना काल में जितने अस्पताल बनाए गए थे, मान लीजिए सरकार इसमें क्या दोष है, सरकार तो 10,000, 20,000, 50,000 बनाएगी अस्पताल। इसके बाद जहां लाखों करोड़ लोग महामारी में आएंगे तो सरकार कोई दोष इसमें नहीं है। तो इसलिए संख्या की वृद्धि अब न हो ऐसा कानून लाना चाहिए और सबके लिए बराबर कानून लाना चाहिए। अगर सनातन परंपरा के मानने वाले हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के भी दो, ईसाई के भी दो, सबके दो। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले को भारत में वोट देने का अधिकार न हो, चुनाव लड़ने का अधिकार न हो, तो यह कानून सार्थक होगा। सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं उसको भी सीमित, वही मेरा, जब वोट देने का अधिकार नहीं तो क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको? जब आपका आधार कार्ड ही नहीं बनेगा, जब आपका वोटर का ID नहीं बनेगी तो आप क्यों क्या सुविधा पाएंगे? इसलिए 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को कोई भी कानूनी मदद एवं वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए तो अपने आप दर्शन। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे, ये तो मुसलमानों को सोचना है, उनके जितने भी मौलवी हैं, जितने भी उनके लोग हैं, मैं उन धर्म गुरु हैं मुसलमानों के, आप लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि भाई आप भारत में रह करके उनके मतलब वफादारी करिए, 2 बच्चे पैदा करते क्यों नहीं? आप संख्या बढ़ाते जा रहे हो, आप संख्या बढ़ाते जा रहे हो आप, तो इसका उनका उद्देश्य ये है कि मुसलमानों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम हिंदुओं के हाथ भगाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो कानून बराबर होना चाहिए, संख्या अच्छी बात है। देखिए, ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, भाई कोई पार्टी करेगी नहीं, सब करते हैं राजनीतिक चापलूसी की। यह तो कानून भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है।